नमस्कार दोस्तों, अभी अभी एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर। मेकअप कराने के बाद 2 महिलाएं बिना पेमेंट किए ब्यूटी पार्लर से फरार हो गई। उनकी इस हरकत पर ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने पुलिस से शिकायत की है। साथ ही उसने सोशल मीडिया पर उन महिलाओं को खोजने की अपील करते हुए ये पोस्ट भी किया है, जैसा कि आपने देखा है। पार्लर की मालकिन का नाम जेड एडम्स है। 28 साल की एडम्स ने बताया कि 2 दिन पहले उनकी शॉप पर 2 महिलाएं आई थी। उन्होंने माँ बेटी के रूप में अपना परिचय दिया। दोनों ने मेकअप के साथ बोटेक्स ट्रीटमेंट और दूसरे महंगे ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन जब 48,942 रुपये बिल देने की बारी आई तो वह क्लिनिक से रफू चक्कर हो गई है। ब्रिटेन की रहने वाली जेड एडम्स ने फेसबुक पर एक महिला की फोटो शेयर करते हुए लिखा, कृपया चोर की तस्वीरें शेयर करें। दुर्भाग्य से कल मेरे क्लिनिक में ये महिला और उसकी बेटी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों आई थी, लेकिन बिना भुगतान के ही वो फरार हो गई है। एडम्स ने बताया कि उनके बातचीत के ढंग से वो दोनों आयरिश लग रही थी। और अब इस घटना को लेकर एडम्स ने पुलिस से शिकायत दोस्तों की है। उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं ने ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक में बुकिंग कराई, फिर मेकअप आदि करवाया। जब पैसे देने की बात आई तो दोनों रफो चक्कर हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फोटो के आधार पर दोनों महिलाओं को दोस्तों अब जल्द ही पकड़ा जाएगा। तो बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों ब्रिटेन से आ रही है।